चलिए आज हम लोग स्वर संधि के अंतर्गत इसका चौथा प्रकार एयर स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, हम लोगों ने तीन संधि स्वर संधि के जो तीन प्रकार है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। और संभवतः हम संधि विच्छेद करना भी जान चुके हैं। उसके नियम के अंतर्गत अगर कोई भी संधि शब्द आएगा तो हम आसानी से उसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो अब हमारे सम्मुख जो है चौथा नियम है यण स्वर संधि, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ज्यादातर समझने से पहले दो लाइन हम लिखेंगे, यण स्वर संधि देकर और लिखिएगा। अभी हम लोगों ने लिखा कि जब भी ई बड़ी उ बड़ा उ और री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर समझ रहे ना, मतलब कहने का अर्थ कि ई के साथ ई नहीं आवे, नहीं ई के साथ इसको छोड़कर कोई दूसरा आवे, जैसे मान लीजिए ओ आ जाए, चाहे आ जाए, चाहे उ आ जाए, चाहे बड़ा उ आ जाए, मतलब कोई इसको छोड़कर कोई दूसरा आ जाए। इसी तरह उ के का मतलब हुआ कि उ को छोड़कर कोई दूसरा भिन्न स्वर आ जाए। जब ऐसा होता है तब वहाँ हमारा कंडीशन लागू होता है, तो वहाँ ई ई जो है मतलब छोटी और बड़ी वो किसमें बदल जाएगा, या हलंत के रूप में बदल जाएगा, और उ जो है वो हलंत में बदल जाएगा, और री जो है वो हलंत में बदल जाएगा। ये नियम है इसमें, ठीक है ना। और जब हमको नियम पता रहेगा तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जरा यहाँ समझेंगे इस नियम को, बढ़िया से यहाँ समझेंगे, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, खूब गौर से देखिएगा। आपने अभी हमने क्या लिखा कि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, मान लीजिए ओ आ गया, ठीक है, जब मान लीजिए ई के बाद मान लीजिए आ गया, समझ लीजिए, खूब बढ़िया से नियम समझिएगा एकदम, ठीक है ना। इसी तरह है कि उ के बाद मान लीजिए कोई भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न में अभी बताया कोई भी होता है, उ के साथ ई आ सकता है, आई के साथ उ आ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन ई के साथ ई नहीं आना चाहिए, क्योंकि ई के साथ जब ई आ जाएगा तो कौन सा नियम में चला जाएगा, दीर्घ स्वर संधि में चला जाएगा, ठीक है ना। वही उससे थोड़ा ये भिन्न होता है कि इसमें भिन्न स्वर का मेल होता है, राइट। अब यहाँ देखिएगा, बड़ा उ के बाद मान लीजिए आ आ जाए, ठीक है ना, या मान लीजिए री के बाद, री के बाद मान लीजिए क्या ओ आ गया, तो ऐसे जब होगा कि इनसे भिन्न स्वर जब इनके साथ जुड़ेगा तो वहां कंडीशन हमारा अप्लाई करता है, यानी कंडीशन हमें बताता है कि ई जो है वह यह हलंत में बदल जाएगा, किसमें, अभी देखिए यहाँ ई यह हलंत में हो जाएगा और ओ इसके साथ जुड़ जाएगा, देख रहे हैं, देखिए गौर से यहाँ पे, उसी तरह यहाँ क्या होगा, यह हलंत हो जाएगा और आ इसके साथ जुड़ जाएगा। फिर यहाँ देखिएगा ये उ जो है किसमें हो जाएगा, और इसमें जो है अ जुड़ जाएगा, फिर ये क्या होगा, वह हलंत हो जाएगा और यहाँ आ जुड़ जाएगा, फिर यहाँ देखिए ये किसमें हो जाएगा, और इसमें अ जुड़ जाएगा। अब देखिए, अब इसमें जो है जैसे ये जुटेगा ये तो ये बना लेगा, ठीक है, हम समझते हैं ये बना लेगा, नहीं यह बना लेगा, यहाँ क्या बनाएगा, यह बना लेगा, यहाँ क्या, यहाँ क्या बना लेगा, यहाँ क्या बना लेगा, ये बना लेगा। लेकिन इसमें एक और थोड़ा सा नियम कार्य करता है, थोड़ा सा बारीकी से देखना होता है, जैसे मैं एक उदाहरण द्वारा समझाऊंगा तो वहां आप ज्यादा बारीकी से समझ पाइएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि अति जोड़ आवश्यक, क्या है, यहाँ देखिएगा अति जोड़ आवश्यक, खूब गौर से देखिएगा बाबू, यहाँ क्या है, अरे यार अति में यह है ना कि नहीं है, यह है यहाँ पे, आप देखो यहाँ का बा आबा की ना बाना बा आबा यहाँ, तो अब देखिए जब यहाँ ई है और यहाँ आ है तो ई के बाद भिन्न है कि ना है, ना है, है
तो भाई ई किस में बदलेगा, ए हलन में बदलेगा, मैंने आधा ए अपने रूप में ये बदलेगा, आई बेचारा इसके साथ आके जुड़ेगा एकदम तय है। तो जैसे ई जुड़ेगा तो अभी कैसे जुड़ेगा यहाँ देखने वाली बात है। अब यहाँ देखिएगा खूब बारीकी से, है क्या है, है क्या है, ई बदल जाएगा किस में, ई बदलेगा ना इसके साथ बदलेगा, तो यह हालत में हो जाएगा। ई जैसे मिलेगा जानते हैं क्या बना लेगा, अत्य बना लेगा। अत्य क्यों बनाएगा, कि यहाँ यह आधा रूप में नहीं लिखेंगे तो पूरा रूप में होते हुए भी यह के साथ जुड़ेगा, इसका तात्पर्य होगा कि यह आधा रूप में, किस रूप में, आधा रूप में। अब यहाँ ही जुड़ लेंगे, जुड़ के बना लेगा अत्य, तब बेचारे आय अब आखिर में जुड़ेंगे का आ बाद वाला लिखा जाएगा। देखिएगा अत्यावश्यक क्या बना, अत्यावश्यक। तो अब देखिए है जो या वो बदल रहा है ना, तो कहाँ जाकर बदलेगा इसका ध्यान देख लीजिए, समझ रहा है ना। तो अब देखिए एक आपको सटीक नियम बताते हैं, जानते हैं का, देखिएगा खूब गौर से एकदम आंख फाड़ कर देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी आधे अक्षर के बाद, इसके बाद आधे अक्षर के बाद अगर व होगा, क्या होगा, व होगा, तो आप समझ जाएंगे, यदि वहां वर्ण का मेल अगर हो रहा है तब आप समझ जाएंगे कि वह जो है यण स्वर संधि के अंतर्गत है, और वहां जो है उ के साथ अ अर्थात व का मेल हुआ है। जैसे कि देखा है नमूना, नमूना देखिए यहाँ पर म ध व ल य, आधा आधा ध है, दिखाई दे रहा आधा ध, आधा ध के बाद क्या है, वो है कि ना है, वो है ना। जब यहाँ वो है तो हमको समझ में आ गया ना कि यह यण स्वर संधि में है, आउ के बाद भिन्न आया है, यानी आया है, आया है ना। yes, तो फटाक कुछ ना करेंगे, फटाक यहाँ से तोड़ देंगे, तोड़ेंगे ना। yes, हम तो जानते हैं कि यही ध आधा के रूप में नहीं है। yes, तो आधा रूप जो है वो के बाद कोई भिन्न स्वर आया है तभी हुआ है। yes, वह है ना। yes, जैसे यहाँ के तोड़ेंगे तो ये ध पूरा रूप में आ जाएगा, आएगा। yes, आज जो है वो उ में बदल जाएगा। yes, बदलेगा ना। yes, वो उ में चला गया मधु, हुआ कि नहीं हुआ। yes, हुआ कि नहीं हुआ। yeah. आ तो उसके बाद आ है इसके साथ। yes, तो आ लो आयो, क्या हुआ बता दीजिए, तो मधुवाले, क्या हुआ बता दीजिए, तो मधुवाले हुआ कि नहीं। yes, तो आपको पहचानने का सही तरीका मैं बता दे रहा हूँ कि जब भी आधा के बाद अगर वो रहता है तो आप समझ जाइएगा कि उ के बाद भिन्न स्वर आया है तभी जाकर उसका निर्माण हुआ है, राइट। वहां तोड़ दीजिएगा और वो को उ में भेज दीजिएगा और उसके साथ जो भी बन रहेगा उसको अलग कर दीजिएगा। जैसे यहाँ था ना वा, तो हमने वा को उ को, वा को उ में बदलवा दिया, मैंने इसके साथ जो आ था उसको अलग कर दिया। उसी तरह जब भी आधे अक्षर के बाद या हो, क्या हो, या हो, जैसे यहाँ देखिए तो आधा का आधा तो है। yes, है कि नहीं, अत्यावश्यक में देखिए इसके बाद क्या है, य है कि नहीं। yes, तो यदि आधे अक्षर के बाद अगर य का संयुक्त जुड़ाव हो और वहाँ संधि हो रहा हो तो वहाँ आप समझ जाएंगे कि यण स्वर संधि के कारण हो रहा है, और वहाँ य किस में बदल जाएगा, ई में बदल जाएगा, किस में बदलेगा, इतनी धड़क हम उसको ई में बदल देंगे तो वो अति, तो पूरा रूप में हो जाएगा, यह ई बन जाएगा तो अति हो जाएगा, और इसके साथ जो आ है वो अलग चला जाएगा, क्या होगा, अत्यावश्यक। तो ये हमने दो चीज समझ लिया, ई और ऊ का मिश्रण। अब एक समझ लेते हैं र का, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा खूब गौर से, पित्रादेश कुछ लिखा हुआ है, जब भी आधा र, आधा र ध्यान रखिएगा एकदम माइंड में, आधा र का मिश्रण, जब भी आधा के बाद किसी भी आधा चीज के बाद यदि र रहता है तो समझ जाइएगा कि वो री के कारण हुआ। अब देखिए आप पित्रा देख रहे हैं ना, ये तर देख रहे हैं कैसे बनता है, जानते हैं, तो और
तो आधा नहीं होता है, र आधा त्र बनता है, त्र बनता है ना। जब त्र जानते हैं तो र के कारण र आधा रूप में है कि नहीं, यहाँ है कि नहीं, इसके साथ र बना है ना। तो इसका अर्थ जब यहाँ से र को हटाएंगे तो क्या होगा, चाहिए ना री हो जाएगा, वो आधार री में चला जाएगा पितरी, इसके साथ का है आ, आ जुड़ा है ना, क्या हो जाएगा आदेश। बताइए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा चलिए, अब बनेगा कि नहीं बनेगा इस पर मैं एक बात करता हूँ, आप लोग से एक प्रश्न देता हूँ, जरा बनाएंगे तब हमको समझ में आएगा कि आप बनाएंगे। देखिएगा यहाँ बोर्ड पर खूब पैनी नजर बनाइएगा, अ न व य, देखिए बोर्ड पर अनवय, देखिए कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अनवय दिख रहा है ना। अब बताइए इसमें वर्ण का मिल कहाँ है, यहाँ है ना, है ना यहाँ पर, इस संधि के अंतर्गत आ रहा है वो, ज्ञान स्वर संधि। अब यहाँ से तोड़ेंगे, तोड़ेंगे कैसे, अनु वाले अनु काहे कहेंगे, आधा अक्षर के बाद वह है, जैसे इसको तोड़ेंगे वो अनु बदल जाएगा, अनु 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 हो गए। अब ओ में का है, वो में का है, इसमें अ है, क्या है, यस अनुजोड़ बन जाएगा ना, बन जाएगा। चलिए पिछले क्लास में हम लोग, अर्थात पिछली बार हम लोग यण स्वर संधि के बारे में पढ़ लिए, आज हम लोग अयाधि स्वर संधि के बारे में जानेंगे। संक्षिप्त इसका परिचय आप लोग जान जाइए, ठीक है। जब भी ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, अब कहने का तात्पर्य देखिए, भिन्न का अर्थ समझ लीजिए। मान लीजिए हम कह रहे हैं ए ऐ का चर्चा कर रहे हैं, तो ए ऐ के साथ जो इसका सहयोगी वर्ण हो वह क्या ए ऐ नहीं होना चाहिए, इसको छोड़कर कोई भी आवे, ठीक है, चाहे ओ आओ के बाद ओ आओ को छोड़कर कोई भी वर्ण, ओ आए ई चाहे ऊ चाहे री, ठीक है ना, कोई आए, तो क्या होता है कि ए आ जो है अपने रूप को बदल देता है, ए भी बदल देता है, ऐ भी बदल देता है, ओ भी बदल देता है और अ भी बदल देता है। अब वो कैसे बदल रहा है थोड़ा सा हम लोग इस नियम के अनुसार देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे देखिए इस नियम पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, कहा जा रहा है जब भी ए के बाद कोई अन्य स्वर आए, जैसे कोई अन्य में ले लीजिए, मान लीजिए कि अ आ रहा है, और तो अन्य हो गया कि नहीं हो गया, कोई भिन्न हुआ कि नहीं हुआ, फिर वैसे ही मान लीजिए ए के बाद ही मान लीजिए अ ही आ, अ को ही ले लीजिए, ठीक है, चाहे मान लीजिए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर अ को ही माने, हम एक ही को लेकर चल रहे हैं, ई भी हो सकता है, ऊ भी हो सकता है, वो अपने ऊपर है, या अ के बाद आप अ को लीजिए, तो ऐसे जब कंडीशन होगा, ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होगी, तो इसका नियम कहता है अयाधि का कि अगर जैसे ए के बाद कोई भिन्न आएगा तो वहां ए जो है ए में बदल जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें बदल जाएगा, ए में बदल जाएगा। उसी प्रकार ए ए के बाद अगर भिन्न आता है तो ए जो है आए में बदल जाएगा, कहाँ बदलेगा, अब बाद वाला जो बन रहेगा वो इसके साथ फिर जुटेगा, ठीक है ना, वो किस में बदलेगा, ओ में बदलेगा, ठीक है ना, और ओ किस में बदलेगा, हो किस में बदलेगा, आओ में बदलेगा। देखिएगा ये रूप अपना बदल देगा, अब फिर जो इसका सहयोगी बन होगा यानी दूसरा बन होगा उसके साथ मिलकर ये अपना पूर्ण रूप बनाएगा। जैसे देखिए आए प्लस अ क्या होगा, यह पूरा रूप में आ जाएगा, आ गया ना, फिर उसी प्रकार नहीं आए नहीं सॉरी यहाँ आए हो जाएगा, आए अब यह पूरा रूप में हो जाएगा, और आए जो है यहाँ फिर अ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आए हो जाएगा, भी पूरा रूप में हो जाएगा, आओ जो होगा अ
कहने का तात्पर्य कि अभी इस नियम के अनुसार हम एक विच्छेद करके देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, क्या है ने जोड़ अन, खूब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब खूब ध्यान दीजिएगा, ने जोड़ अन, आप देखिए नौ पर क्या है, ए। क्या है नौ पर, ए, ए है, क्या खूब ध्यान दीजिएगा, ए, इसके बाद क्या है, आ, है न, आप देखिए तो ए के बाद भिन्न स्वर आ रहा है कि नहीं, यस सर, आ रहा है कि नहीं, हो यस सर, आ रहा है ना, यस सर, तो यहाँ ए के बाद अ भिन्न स्वर आ रहा है, तो इसका अर्थ है कि ए किस में बदल जाएगा, आए में बदलेगा, किस में बदलेगा, आए, इसके साथ अ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए बनेगा कि नहीं बनेगा, तो जैसे इसको जोड़ेंगे तो अब ए मिल गया तो अब ए जोड़ा जाएगा, यहाँ से ए हट गया, यहाँ से अ हट गया, ये दोनों हट गया, अब ए जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे तो अ जो है नौ में चला आएगा, अ हो गया, आ यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद क्या बचा, न, तो क्या बना, क्या बना, नयन बना। तो अब मैं एक और थोड़ा सा फॉर्मूला बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, खूब इत्मीनान से लिखिएगा। अब आपको जो है इसको पहचानने के लिए, जानने के लिए, क्योंकि आपको तो शब्द मिलेगा और आपको क्या करना होगा, क्या करना होगा, विच्छेद करना होगा, तो विच्छेद के लिए आपको पहचानना होगा कि वर्ण का मिलाकर हुआ कैसे, अब कहाँ हुआ है, और यदि हुआ है तो कौन सा वर्ण बना, ये पहचानना होगा कि नहीं। तो अब वहाँ जब पहचानिएगा, समझ रहे ना, अब पहचानने के क्रम में आपको लगेगा है यहाँ तो आय का मेल हुआ, क्या हुआ, आय का मेल हुआ, देखिएगा यहाँ तो आय का मेल हुआ है, यहाँ तो औ का मेल हुआ है, यहाँ औ का मेल हुआ है, ये चीज आपको पहचाननी है। इसके साथ और या के साथ अगर कुछ रहता है तो उसको ध्यान में नहीं देना, आपको बस ये पहचान देना, ठीक है ना। जैसे आपको पहचान में आए गए इसके साथ आय का मेल हुआ, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक शब्द रख रहा हूँ, जैसे देखिएगा क्या लिख रहा हूँ, गायन, गायन, गायन हो रहा है ना, गायन, यहाँ वर्ण का मेल स्पष्ट, ठीक रहा ना, तो क्या है यहाँ आय है कि नहीं, हो yes, तो हमको तो दिख गया ना कि यहाँ तो आय का मेल है, yes, दिखा ना, yes, कि नहीं दिखा, दिखा ना, yes, तो जैसे पता चला कि आय का मेल हो रहा है, समझ रहे ना, yes, तो फट से चलेंगे, अरे आय किसके कारण होता है, तो आय, आय के कारण होता है, किसके कारण, किसके कारण, जब ये पता चल गया तो पूछवे मत कीजिए, जब आय के बारे में पता चलेगा कि तो आय के कारण हुआ है तो आप कट यहाँ से तोड़ दीजिएगा, फिर खाली ग हो जाएगा, ठीक है ना, इस पर आय है ना, आय आ जाएगा, गए गए, हो गया ना, तो मान लीजिए आय आधा रूप में होता है ना, यहाँ तो पूरा रूप में है, तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ ना, अ, इधर जो है प्लस करके अ कर दीजिए, अब फिर इसके साथ क्या है, क्या है, न लिख दीजिए, क्या बना, क्या बना, क्या बना, गायन, गाय जोड़ अन बराबर गायन। अब देखिए एक चीज और समझिए तब बहुत समझ में आएगी, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, ई बताइए, नाभी, यहाँ वर्ण का मेल यहाँ दिख रहा है ना, yes, यहाँ क्या है, आवी, आवी है ना, आवी हो, yes, आवी को जब हटाएंगे तो आव प्लस देख रहा है ना, yes, यहाँ कौन सा वर्ण का मेल हुआ, आव, आव के मेल, आव किसके कारण, आव के कारण, आव, आव को यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा, yes, नौ हो जाएगा ना, yes, तब उसके बाद देख रहे हैं कि इसमें ई है ना, अरे yes, ई है, तो फिर इस बेचारे को ई को अलग कर देंगे, क को लिख देंगे, बताइए तो क्या हुआ, नौ, क्या हुआ, नौ जोड़ बराबर नावी। आपको समझ में आया ना, yes, बस आपको यही पहचानना है, अगर आय का मेल है तो आप उसको किस में बदल दीजिएगा, जब तोड़िएगा तो ए में बदलिएगा, और जब आय का मेल होगा तो उसको तोड़िएगा तो किस में बदलिएगा, ए में, और यदि औ का मेल होगा तो ओ में, और
जब आओ का मेल होगा तो आओ में बन जाएगा ना। कोई दिक्कत नियम समझने में? कोई दिक्कत बनाइएगा ना, बनाइएगा ना, थोड़ा बनाइएगा। तो पवन का खड़ा हो जाओ, तुम खड़ा हो जाओ। पवन यहाँ देखो, पवन। चलो अब नियम तो जान गई हो ना, थोड़ा बताओ, बोलो। हाँ यहाँ बड़ का मिल क्या हुआ है? आओ हुआ है ना, तो आओ। तो जब तोड़ेंगे तो किस रूप में जाएगा? किस रूप में? ओ में जाएगा, है ना। ओ में जाएगा तो क्या होगा? ओ जो है इसमें ओ में अ है तो अ और ये क्या पवन हो जाएगा ना। कोई दिक्कत आप लोगों को? भी कोई दिक्कत? चलिए ओके।